Hey everyone, welcome to Shroom's IAS. I'm Shivangi Sharma and here I am with chapter 9th of class 11th economics, which is environment and sustainable development. ठीक है, नाम से पता चल रहा है चैप्टर इजी है. एनवायरनमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हम दोनों चीज़ों से ऑलरेडी फेमिलियर हैं. ओके, सो वट वी आर गोन स्टडी इन दिस चैप्टर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन. ठीक है, हम मतलब क्यों हमारे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है और हमारे रिसोर्स में कमी आ रही है वो हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस. उसके अलावा नेचर पढ़ने वाले हैं हम एनवायरनमेंट का और जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इंडिया में बेसिकली. ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन. सो अगर हमें असस्टेनेबल का पाथ अंडरस्टैंड करना है डेवलपमेंट का, तो कुछ चैलेंजेस है. ठीक है, जो कि हमें मतलब जो अनसस्टेबल सस्टेनेबल पाथ है वो एक चैलेंज बन करके आता है, क्योंकि जो क्योंकि हमें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है ना. क्योंकि हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे में जाना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन का एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन देता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ठीक है, इसलिए चैप्टर को डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में. तो फर्स्ट पार्ट है वो डील करने वाला है फंक्शन और रोल ऑफ एनवायरनमेंट में के साथ. ठीक है, सेकंड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की क्या स्टेट है इन द सेम. और थर्ड में हम जो थर्ड सेक्शन होगा उसमें पढ़ेंगे स्टेप्स और स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एनवायरनमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शंस. ठीक है, सबसे पहले हमें ये तो जानना ही पड़ेगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है. एनवायरनमेंट होता है हमारा जो भी प्लानिटरी इनहेरिटेंस है. ठीक है, और जो भी हमारे टोटल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में बायोटिक और एबायोटिक दोनों रिसोर्सेज आ जाते हैं. ठीक है, सो जो भी लिविंग एलिमेंट्स है वो बायोटिक होते हैं और नॉन लिविंग जो है वो एबायोटिक होती है. ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये चीज़ तो पता ही होती है, बायोटिक में आता है बर्ड, एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, और एबायोटिक में आता है रॉक्स, सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट का क्या फंक्शन है. ठीक है, इट सप्लाइज रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को. ठीक है, इट एसिमिलेट्स वेस्ट. ओके, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना. जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट. उसके अलावा ये एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे सीनरी, रिवर्स, ये सारी चीज़ें हम देखना कितना पसंद करते हैं. ये कहाँ से आता है, एनवायरनमेंट से तो आता है. ठीक है, एनवायरनमेंट एबल होगा सारी ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करना बिना किसी इंटरप्शन के, जब तक इसके पास कैरिंग कैपेसिटी है. मतलब जितना हम लोगों को चाहिए, जितना डिमांड है, उतना एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकेगा, तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, इट एम्प्लाइज डेट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज़ नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन. जितना हम रीजनरेट कर सकते हैं उससे कम ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है कि वो काफ़ी चीज़ें अब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर, जैसे वेस्ट है, एक्सटेंट है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी. ठीक है, जो भी जैसे डिग्रेडेशन करता है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोलते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की, इसकी एनवायरनमेंट की. तो अब हमारा एनवायरनमेंट इतना डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, इतनी सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, क्योंकि इतनी सारी अब हम इतना यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें एनवायरनमेंट हमें इतने सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है, और डिग्रेड भी हो रहा है, क्योंकि देखो सबसे इसका जो वर्स्ट जो इसका मैटर है डेट इज़ ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन डिप्लेशन. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हीट बनना. ओजोन डिप्लेशन इज़ ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना. ठीक है, उसके अलावा एनवायरनमेंट एक क्लियर है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो यूज़ कर ही रहे हैं, रिसोर्सेज तो यूज़ हम करेंगे ही करेंगे, है ना. और इसीलिए बहुत डिग्रेडेशन है हमारे एनवायरनमेंट में. उसके बाद एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो हो सकता है पोल्यूशन. इतने सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, ठीक है, मोटर कार्स चल रही हैं, फिर इतने सारे मतलब कितने सारे तरह के पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है ना.
इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी डिप्लेशन देखने को मिल रहा था। अब हम पढ़ते हैं इंडिया का क्या स्टेट है एनवायरनमेंट में। ठीक है, इंडिया एक बहुत ही, इंडिया के पास काफ़ी रिच क्वालिटी की सोइल है, बहुत सारी रिवर्ट है, ट्रिब्यूटरीज है, ग्रीन फॉरेस्ट है, मिनरल्स की प्लानिटी है, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, ओशंस है, बहुत कुछ है हमारे पास, है ना। तरह तरह की सॉइल्स है, तरह तरह के मेटल्स हैं यहाँ पे, देखो बॉक्साइट, कॉपर, कैरोमाइट, डायमंड, गोल्ड, लेड, इतने सारे हमारे पास ये भी मेटल्स अवेलेबल है, बहुत तरह तरह के हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इंडिया के एनवायरनमेंट को डराता है वो है पोवर्टी। इतना पोवर्टी है, ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, सेम टाइम में बहुत सारा पोल्यूशन का भी डर है। ठीक है, देखो एयर पोल्यूशन है, वाटर कंटेमिनेशन है, सोइल इरोजन है, डिफॉरेस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन, कितना आज के टाइम पे कितना हमारे टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कितने सारे जानवर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, वो भी डराता है हमको। उसके अलावा जो प्रायोरिटी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जब जिनमें ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, आर लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं, उसकी फैक्ट उसके रीज़न क्या है, डैट इज़ लॉस ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन का डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है। उसके बाद अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड फोडर एक्सट्रैक्शन, इतना ज़्यादा हम चीज़ों का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अनसस्टेनेबल तरीके से, वो भी एक रीज़न है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, फिर है एनक्रोचमेंट कर रहे हैं हम, फॉरेस्ट लैंड्स को भी बहुत काट काट के उसमें भी वो बना रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, नॉन एडॉप्शन हो रहा है, एडुकेट सोल कन्वर्जेशन मेजर्स का वो ले ही नहीं रहा कोई, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है। उसके बाद केमिकल ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में, इम्प्रॉपर प्लानिंग है, और उसके अलावा इतना सारा एक्सट्रक्शन है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, उसके अलावा ये एक तो ये एक बहुत ओपन सोर्स है, ऊपर से जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ही है। ठीक है, अब देखो कितने सारी यूजेस हैं लैंड के, जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पेस्टर्स, ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्री, एक्सर्ट अनॉर्मस प्रेशर ऑन कंट्रीज फाइनाइट लैंड रिसोर्स। ठीक है, जिससे बहुत सारा प्रेशर आएगा। ऑफ कोर्स जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है वो कंट्री के सिर्फ 0.06 हेक्टर्स है, बट जबकि रिक्वायरमेंट है 0.47 हेक्टर की, ताकि हम बेसिक नीड्स सारी मीट कर सके। ठीक है, सो ऐसी प्रॉब्लम्स भी है। उसके अलावा एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का इतना वाइड स्प्रेड है स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, ऊपर से व्हीकल्स है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीजेज भी फैल रही है। उसके बाद इंडिया जो है वो टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन में से एक है, जिसका जिससे जो अनवांटेड है, जो अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्यूज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अनप्लान्ड, जैसे कि अनप्लान्ड और अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें बचा के रखेंगे, हमारी करंट जो करंट जनरेशन है उसकी नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, आज की नीड भी सेटिस्फाई करेंगे, बट इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी चीज़ें बच जाए। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आया है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से, UNCED से। ठीक है, अब आता है द ब्रंट लैंड कमीशन। हमारी फ्यूचर जनरेशन को और प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एम्फेसिस लेकर आता है, बहुत सारे एफर्ट्स डालता है। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो तभी इतना नेचुरल और इन्वायरमेंट बिल्ड कर पाएगी, उसके लिए जो कुछ तरीके हैं वो हैं कि नेचुरल एसेट्स का कंजर्वेशन करना, ठीक है, प्रिजर्वेट करना, जो हमारे मतलब जो इकोलॉजिकल सिस्टम के जो जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बचा के रखना, उसके अलावा जो एडिड कॉस्ट है रिस्क है फ्यूचर जनरेशन में उसको अवॉइड करना। ठीक है, हर्मन डेले के अकॉर्डिंग हमारे जो एक लीडिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बोला कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, विच इज़ लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन,
हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को घटाना पड़ेगा। हमारी कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है ना, जितने पॉपुलेशन होगी उतने रिसोर्स तो यूज़ होंगे ही होंगे। इसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है उनको इनपुट करना चाहिए, ताकि जो कि एफिशिएंट हो, कंज्यूमिंग ना हो, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स होने चाहिए, को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए सस्टेनेबल बेसिस पे। उसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रेट है डिप्लेशन का, उसको एक्सीड नहीं होने देना है, ठीक है। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स को हमने ज़्यादा यूज़ करना है, और इनएफिशिएंट अराइजिंग ऑफ पोल्यूशन शुड बी करेक्टेड, ठीक है। स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज ले सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा एलपीजी है, गोबर गैस है, जो रूरल एरिया में, इनमें इनका ज़्यादा यूज़ बनना चाहिए हाउस होल्ड के लिए, स्पेशली इन हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। सीएनजी होनी चाहिए अर्बन एरियाज़ में। विंड पावर का यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना जिसको हम, जो रिन्यूएबल है उनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, ये फिर से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सोलर पावर है, अब ऐसा तो है नहीं कि ना हमारे इसमें सनलाइट आना ख़त्म ही हो जाएगी या हवा चलना बंद ही हो जाएगी तो हम एनर्जी, वैसे ही हाइड्रो है, हाइड्रो पावर है, ऐसा तो है नहीं नदियाँ बंद ही हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस है उनको यूज़ करें। हाइड्रो थोड़े थोड़े छोटे छोटे हाइड्रल प्लांट्स यूज़ बनाएंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं, हाइड्रल प्लांट्स बनाएंगे छोटे छोटे। जैसे लास्ट ईयर में भी हमने देखने को मिला था कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हाइड्रल पावर बनने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी ना, लैंडस्लाइडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मिनी हाइडल प्लांट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बायो कंपोस्टिंग करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद बायो पेस्ट का कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो दिया, जो हमें एडवांटेजेस दिए, वो तो गुड है, बट उसको ना एक लिमिटेड अमाउंट में करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो दिया वो एक आँख बंद करके करते रहे, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर सेज कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन और सर्विसेज बनाने में ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बट हमें वो भी देखना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में भी एक बहुत प्रेशर पड़ रहा है ना, तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा यूज़ करें, रैदर देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करें। सो हियर डेट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।